सरकार, यही से जानता हाँ ये नहीं, आप अपने हिमंताज नहीं सर, इसने सर आप थोड़ा बोल दीजिए। हाँ ठीक। वो एक्चुअली में ना सर कल का थोड़ा गलत हो गया था, घाई घाई में हेमंत ने रॉन्ग ये डाल दिया था, ये ऐसा हो गया था उसमें, शायद वो थोड़ा सा ये हो गया था। जी नो इश्यूज सर, नो इश्यूज सर स्टार्ट। कर दूँ। अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू इंडियन एरा, माई सेल्फ बुरहानुद्दीन एम के, और आज हम लेके आ गए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेक्चर नंबर 7 ऑसिलेशन का, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं गाइस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि भाई अगर एक सिंपल सिंपल पेंडुलम सबने देखा, करेक्ट, तो समथिंग लाइक दैट ओनली, ओके, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा उसपे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एंगल एंगल कितना होना चाहिए। अगर एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जो मोशन है वो लीनियर नहीं होता, तो सर उसे SHM कैसे कहेंगे। तो ये छोटी छोटे जो कॉन्सेप्ट है, फिर अगर मैंने सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दिया जो एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, तो टाइम पीरियड क्या होगा। अगर मैंने सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दिया जो एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, तो टाइम पीरियड क्या होगा। अगर मैंने सिंपल पेंडुलम को एक गाड़ी में रख दिया जो गाड़ी मूव हो रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, तब टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग विभिन्न विभिन्न केसेस जो आपको अपने कंपेटिटिव लेवल पर भी काम आएंगे, सीईटी JEE नीट AIPMT जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, ठीक है। थैंक यू नाजनीन, थैंक यू। बस मैं ठीक हूं बच्चा लोग, आप कैसे हो। यस ओम हो जाएगा, टेंशन मत ले बेटा, मस्त। तनुजा आप कैसे हो। चलो तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ओके, आ जाते हैं अपने ऑसिलेशन चैप्टर पे। और आज हम करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। करेक्ट बच्चों, सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम क्या है बेटा। A bob of mass m attached to one end of a weightless inextensible string is called as a simple pendulum. एक bob जिसका mass m है, जो attached है एक weightless, मतलब जिसका कोई weight है ही नहीं, negligible, inextensible, जो extend नहीं हो सकता है, मतलब जो खींचा नहीं जा सकता है, okay? A bob of mass m attached to one end of a weightless inextensible string forms a simple pendulum. क्या बनाता है वो अपना simple pendulum. Clear? A bob of mass m attached to one end of a weightless inextensible string is called as a simple pendulum. ठीक है? A bob of mass m attached to one end of a weightless inextensible string is called as simple pendulum. जरा ध्यान दो,
अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था बेटा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा ध्यान देना। अगर अगर देखो यहां ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है मेरे सिंपल पेंडुलम की बच्चों, दिस इज द मीन पोजीशन। मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा बच्चों। अब बच्चा जरा समझना, इफ थीटा इज ग्रेटर, इफ थीटा, अगर थीटा बड़ा है, अगर थीटा बड़ा है, द मोशन इज नॉट SHM, याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट। अगर थीटा बड़ा है, अगर थीटा आपका बहुत बड़ा है, तो मोशन SHM नहीं रहेगा। क्यों? फिर देखो बेटा, ये ना ऐसे कुछ, ये पाथ देखो ऐसे कर्व लग रहा है, कर्व है। लीनियर SHM क्या है? इट इज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, मोशन लीनियर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, तो ये तो कर्व हो गया। तो अगर एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो SHM नहीं होगा। फॉर SHM थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा छोटा होना चाहिए मेरा बच्चा, छोटा थीटा, छोटा सा होना चाहिए, मतलब इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ध्यान दो, करेक्ट, तो ये दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर थीटा आपका छोटा है तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर बच्चा? तो ये याद रखना, डायग्राम बनाते समय भी बच्चे बड़े बड़े डायग्राम बना देते हैं, नहीं, कोई अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला रहा तो वो आपको रॉन्ग दे देगा मेरा बच्चा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, श्योर मेरा बच्चा? तो शुरू करें। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए मेरे बच्चों को पता लग गया है, तो डेरिवेशन की ओर आते हैं, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। करेक्ट, ओके, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास एम अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ वेट लेस inextensible string of length L. When the bob is slightly displaced from its mean position as shown in above figure, it is acted upon by two forces. It is acted upon by two forces. कितने forces act होते बेटा? दो forces. Sure? पक्का? पहला, कितने फोर्सेस एक्ट होते बेटा कोई बताएगा? कौन से कौन से? कौन से कौन से दो फोर्स बेटा? वेरी गुड, खुशी नहीं, धर्म बहुत जल्दी आ गए आप उसमें, ओके। अंकिता वेरी गुड, सुपर। फर्स्ट, वेट एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन
सेकेंड टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग, जरा ध्यान देना दोनों ही अलग पेन से बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये नीचे की ओर mg और अलोंग द स्ट्रिंग ये t, ठीक है एकदम पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा अच्छे से देखना, ये लाइन को ना ऐसे सीधे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, जरा देखो बच्चों करेक्ट दिख रहा है सबको ओके। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों चेक कर लो, ठीक है बच्चा। अब मैं क्या बोलता हूं, लेट अस रिजॉल्व वेट एम जी इंटू टू कंपोनेंट, हम एम जी को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं बेटा, टू। पहला वर्टिकल कंपोनेंट एम जी, ध्यान दे थीटा के नजदीक वाला, बच्चों थीटा के नजदीक वाला क्या बनता है जल्दी से बोलो, थीटा के नजदीक वाला क्या होता है बच्चों, पढ़ा है हमने रोटेशनल में, थीटा के नजदीक वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, करेक्ट मेरा बच्चा श्योर। सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, पक्का मेरा बच्चा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं जरा सुन लो अच्छे से, हमने कंसिडर किया एक बॉब जिसका मास है m, जो अटैच है एक एंड को ऑफ अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल नो लिमिट, इनएक्सटेंसिबल का मतलब जो मतलब जब मैंने पेंडुलम को लटकाया ना तो लंबा नहीं होना चाहिए वो, जितना है उतना के उतना, अगर उसका लेंथ l है मैंने नीचे एक बॉब ऑफ मास लगा दिया तो बहुत सी बार नहीं कुछ स्ट्रिंग्स ऐसे थोड़े से खिंच जाते हैं, तो ऐसे खिंचना नहीं चाहिए वो, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए वो, उसे हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल जिसका लेंथ l है ओके। अब जब मैंने बॉब को स्लाइटली अपने मीन पोजिशन से डिस्प्लेस किया ओके एज शोन द अबव फिगर, तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, आपने बोले सर दो, पहला वेट mg नीचे की ओर, दूसरा टेंशन t अलोंग द स्ट्रिंग। अब हमने वेट mg को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया बच्चा, दो कंपोनेंट में, पहला वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा, क्लियर मेरा बच्चा। आगे बढ़े, नाउ वर्टिकल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा बैलेंसेस टेंशन टी, ध्यान दो वर्टिकल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टी को, जरा चेक करो सेम लाइन में दोनों करेक्ट, व्हाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा एक्ट एज, कोई मुझे बताएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा क्या एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा क्या एक्ट करेगा, एम जी साइन थीटा का डिरेक्शन जरा चेक करो किसकी तरफ है, एम जी साइन थीटा का डिरेक्शन किसकी तरफ है बच्चों, आ आ आ सर्कुलर मोशन तो नहीं है धर्म, अंकिता सेंटर की ओर है, रानी बोल रही है सर सेंटर की ओर है, सेंटर मतलब यहां पर मीन पोजीशन ना, मीन पोजीशन पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है, मीन पोजीशन की ओर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, वेरी गुड धर्म वेरी गुड, यस mg sin theta acts as necessary centripetal
पीटल पोर्स, करेक्ट मेरे बच्चों? श्योर? सो देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस क्यों? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। पक्का? अरे डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे जा रहा है, एक्स यहां जा रहा है ना, एफ यहां जा रहा है, तो अपोजिट हो जाएंगे ना मेरा दोनों का डायरेक्शन। क्लियर? श्योर? अच्छा बट बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिस्टोरिंग फोर्स? एफ इज माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एम सॉरी माइनस एम जी साइन थीटा। पक्का मेरे बच्चों? माइनस माइनस कैंसिल, तो के एक्स क्या मिला मेरे बच्चों को? के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी थीटा, एम जी थीटा। क्लियर गाइस? श्योर बच्चा लोग? ऑल ऑफ यू? अच्छा अब फ्रॉम फिगर, जरा फिगर में देखो बेटा, डायग्राम में जरा चेक करो बेटा, ये आपको एक सेक्टर की तरह दिख रहा है छोटा सा, ये थीटा है, ये एल है और ये एक्स है, तो हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्स एल इंटू थीटा, अगर आपको याद है तो 11th स्टैंडर्ड में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अरे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। क्लियर गाइस? तो यहां से थीटा क्या मिलेगा मेरे बच्चों को? थीटा विल बी एक्स बाय एल। पक्का मेरा बच्चा? एक्स क्या है? एल इंटू थीटा, तो थीटा क्या मिलेगा? एक्स बाय एल। यहां पर ही बनाता हूं मैं छोटा सा डायग्राम ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये थीटा, ये एल और ये एक्स, कहां से आया? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये फॉर्मूले से आया, करेक्ट? पुट कर तो के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी, थीटा की जगह पे एक्स अपॉन एल, एक्स एक्स कैंसिल, तो के क्या मिला मेरे बच्चों को? एम जी बाय एल। बट टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम इज गिवन बाय, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम बच्चा? टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एम बाय के, तो के की जगह पे डाल सकता हूं मैं ये फॉर्मूला, तो टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एम, के की जगह पे एम जी अपॉन एल, एम एम कैंसिल, तो टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एल बाय जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पक्का बच्चों? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कुछ नहीं किया बेटा, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम के फॉर्मूले में के की जगह पे उठा के वैल्यू डाल दी, एम जी बाय एल, एम एम कैंसिल, एल ऊपर चले गया, तो टी हमें मिल गया टू पाई रूट ऑफ एल बाय जी। क्लियर गाइस? ऑल ऑफ यू? चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे गाइस। इफ सिंपल पेंडुलम इज केप्ट
इन अ लिफ्ट विच मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए. अगर मैंने सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दिया जो ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए, जो ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए. क्लियर गाइस? प्रेरणा कुछ हार्ड नहीं है बेटा. अब जरा चेक करते हैं इस कंडीशन में बॉब पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक फोर्स नीचे की ओर mg, करेक्ट. अच्छा, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो गाइस हम पर एक सूडो फोर्स एक्ट करता है. कभी लिफ्ट में गए? लिफ्ट में जब आप खड़े होते हो और लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आपको ऐसा महसूस होता है आपको कोई फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, करेक्ट. वो सूडो फोर्स उतना ही होता है एम ए, करेक्ट. बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने कोनिकल पेंडुलम किया था. कोनिकल पेंडुलम का और सिंपल पेंडुलम का दोनों का टाइम पीरियड सेम है बेटा, दोनों का टाइम पीरियड सेम है. ओके, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? एम कॉमन, जी प्लस ए. पक्का? अरे हाँ कि नहीं बच्चों? तो अगेन सेम केस, ध्यान दो. ठीक है, यहां पर नीचे एक्ट हो रहा है एम ब्रैकेट में, एम ब्रैकेट में जी प्लस ए. ये हो जाएगा एम जी प्लस ए कॉस थीटा. ये हो जाएगा एम जी प्लस ए साइन थीटा. बराबर, इसको टेंशन टी ने बैलेंस किया तो ये हो गया आपका नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. तो हो गया एम जी प्लस ए थीटा. बराबर ना? डायरेक्ट. तो के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए. ये हो जाएगा एक्स बाय एल, ये कैंसल, सॉरी. तो के क्या मिल गया मेरे बच्चों को? एम जी प्लस ए अपॉन एल, करेक्ट बेटा? अरे हाँ कि नहीं? तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा? टू पाई रूट ऑफ एम, के की जगह पे एम ब्रैकेट में जी प्लस ए अपॉन एल, एम एम कैंसिल. तो टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए. क्लियर बच्चों? एकदम पक्का? यस बेटा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी. क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स? सारे मार्क्स मिलेंगे. बेटा डिफरेंस, कोनिकल पेंडुलम एक कोन बनाता है, वहां पर मोशन सर्क्यूलर हो जाता है, यहां पर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस वही है. क्लियर बेटा? ये मेरे नीट के सीईटी के नीट तो हो गया, सीईटी के बच्चों को ही बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा. श्योर गाइस? बच्चा लोग कर रहे बेटा, कर रहे राजवर्धन, कर रहे, डोंट वरी, करेक्ट. अच्छा, अब सिमिलर मैनर में मेरे बच्चे ही डिराइव कर लेंगे. अगर एक सिंपल पेंडुलम को आपने लिफ्ट में रखा जो एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, जो एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये आप खुद से कर लोगे. अब आई गेस कर लेंगे मेरे बच्चे खुद से. श्योर बेटा? चलो तो बढ़ते आगे. अब आते हैं हम लोग जो बच्चा पूछ रहा है सेकेंड पेंडुलम पे. व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम? अ सिंपल पेंडुलम हूज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. A simple pendulum whose time period is 2 second is called as seconds pendulum. A simple pendulum whose time period is 2 seconds is called as a seconds pendulum.
क्लियर। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है बेटा 2 सेकेंड, उसे हम कहते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। क्लियर, श्योर मेरा बेटा? चलो बोर्ड पे आ जाओ आप जरा। चलो शुरू करें। वी नो दैट क्या व्हाट इज द टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। हियर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो देयरफॉर 2 is equals to 2π√L/g। 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहां पर 1 is equals to π√L/g। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा मेरा बच्चा 1 is equals to π² L/g। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया ना, 1 का square 1, π का π² L/g, करेक्ट। तो L क्या मिलेगा, L G अपॉन पाई स्क्वायर, एकदम पक्का। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। बच्चों मार्च 2022, ये साल ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा था। जैकपॉट क्वेश्चन था गाइस। क्या पूछा था, डिफाइन सेकेंड पेंडुलम एंड हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। डिफाइन सेकेंड पेंडुलम एंड हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन था गाइस। कि आप लोग डिफाइन करो एक सेकेंड पेंडुलम को एंड हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, सॉरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स लेंथ। क्लियर गाइस, कि टाइम पीरियड क्या होता है और उसकी लेंथ, सॉरी सेकेंड पेंडुलम क्या होता है और व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इट्स लेंथ, ये कैलकुलेट करना था। क्लियर बच्चा लोग, ऑल ऑफ यू श्योर, पक्का? यस yes, आगे एक न्यूमेरिकल भी जाना बेटा, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, हम उसे कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। क्या कहते हैं, सेकेंड पेंडुलम, ठीक है। तो अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड एज अ सेकेंड पेंडुलम। अच्छा, वी नो दैट क्या, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, करेक्ट। हियर टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, तो टी की जगह 2 डाल दिया, 2 कैंसिल, तो 1 is equals to π√L/g, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 is equals to π² L/g, जी को ऊपर, एल को, सॉरी पाई स्क्वायर को नीचे, तो एल कितना मिल गया, जी बाय पाई स्क्वायर, करेक्ट मेरा बच्चा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम, क्लियर। अनस खान, बहुत टाइम बाद आया बेटा लेक्चर में आज। चलो आगे बढ़े, अब करते हैं गाइस कुछ न्यूमेरिकल्स, सिर्फ टेक्स्ट बुक तुरंत मिल जाए हमें और कुछ नहीं। बच्चों एक मिनट सिर्फ, क्या बात है, मिल गई, सुपर। चलो तो बढ़ते आगे न्यूमेरिकल्स की ओर गाइस। खान सोहेल, बढ़े गाइस न्यूमेरिकल की ओर। चलो
बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते पहले, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन जरा चेक करो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज, क्या दिया है बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी। इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज, आपको पार्टिकल का मास दिया है m, आपको बोला है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, फ्रीक्वेंसी मतलब n कैलकुलेट करना है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है मेरा बच्चा n, श्योर वेरी इजी ओके। तो बढ़ते आगे, डेटा में हमें क्या क्या दिया है, मास ऑफ पार्टिकल दिया है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ kg, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी दिया है 0.1 πx² जूल, करेक्ट। और 2 फाइंड करना है हमें बच्चा फ्रीक्वेंसी n। चलो फॉर्मूला मालूम है मेरे बच्चों को, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कल ही पढ़ा था, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर स्टार्टिंग विथ माय सॉल्यूशन, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, बट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, 0.1 πx² हाफ के एक्स स्क्वायर, x² कैंसिल, करेक्ट बच्चों। तो 0.1 πx² इज इक्वल्स टू हाफ के, बट बेटा व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, के बाय एम, करेक्ट। तो के क्या मिलेगा, के ओमेगा स्क्वायर एम, पक्का पुट कर, तो 0.1 πx² इज इक्वल्स टू हाफ के की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एम। चल 0.1 πx² इज इक्वल्स टू हाफ 2πn द होल स्क्वायर, m का वैल्यू डाल 20 × 10⁻³, क्लियर। चल 0.1 πx² 1/2, 2 का स्क्वायर 4πx² n स्क्वायर 20 × 10⁻³, चलेगा क्या, πx² कैंसिल, 2 × 1 = 2, 10 =, तो 0.1 इज इक्वल्स टू 4n² × 10⁻², पक्का मेरा बेटा, श्योर। तो 0.1 को मैं 1/10 लिख दूं और 10⁻²² को 10⁻², चलेगा क्या, माइनस था ना नीचे ले लिया ऊपर भेज इसको, 10² / 10 इज इक्वल टू 4n², तो 10 इज इक्वल टू 4n², तो n² विल बी 10/4, तो n² विल बी √10/2, चलेगा क्या बच्चों, √10/2, क्लियर। तो n विल बी √10 का वैल्यू 3.162, पक्का। अरे यहां पर रूट लिया ना बेटा, तो 10 का रूट √10, 4 का रूट 2, करेक्ट। चलो तो n विल बी इक्वल टू 1.581 आ गया आंसर, चेक कर लो बच्चों, 1.581 हर्ट्ज, श्योर इजी सम, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, पक्का बच्चों। बच्चा लोग शैल वी मूव अहेड, चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सम की ओर आते हैं, 12th सम बेटा, क्या दिया 12th सम में, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m दिया है परफॉर्मिंग SHM इज, क्या टोटल एनर्जी इज,
मतलब ये दिया है TE. Find its speed while crossing the center of path. बेटा center of path मैंने बताया था, center of path. Center of path क्या होता है बच्चों? Center of path क्या होता है बच्चों? What is center of path? मुझे बताओ वो, मुझे वैल्यू मत दो. पाथ, वेरी गुड. खुशी, वेरी गुड. सेंटर ऑफ पाथ मतलब मीन पोजीशन बच्चा लोग. सेंटर ऑफ पाथ क्या होता है? मीन पोजीशन. और मीन पोजीशन पे मेरा वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम. मतलब एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है वी मैक्स. क्या कैलकुलेट करना है? वी मैक्स. याद रखना बेटा. देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है. उन्होंने आपको बोला नहीं फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, उन्होंने बोला फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ. क्लियर गाइस? चलो तो आते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 12. डेटा में मास दिया है 2 kg, टोटल एनर्जी दिया है 40 joule. टू फाइंड करना है वी मैक्स. बराबर. चल फॉर्मूला मालूम है मेरे बच्चे को बेटा. वी मैक्स क्या है बेटा? ए ओमेगा. व्हाट इज वी मैक्स? ए ओमेगा. क्लियर? एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर. क्लियर बच्चों? स्टार्टिंग विथ माय सॉल्यूशन. एक बार डेटा देख लो. मास 2 kg, 40 joule. परफेक्ट. चलो हाँ. नाउ व्हाट इज टोटल एनर्जी मेरा बच्चा? हाफ के ए स्क्वायर. बट अभी पढ़ा, अभी व्हाट इज के ओमेगा स्क्वायर एम पढ़ा ना. के क्या है? ओमेगा स्क्वायर एम पीछे ही. तो टोटल एनर्जी क्या है मेरा बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. चलेगा? चल वैल्यू चल. टोटल एनर्जी 40, हाफ एम 2 kg. अच्छा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं ओमेगा ए द होल स्क्वायर बोल सकता हूं मेरा बच्चा. 2 कैंसिल. तो क्या मिला? 40 इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए ओमेगा? वी मैक्स. तो मैं वी मैक्स स्क्वायर बोल सकता हूं. ए ओमेगा का स्क्वायर था ना. तो व्हाट विल बी वी मैक्स मेरे बच्चों? रूट 40. तो वी मैक्स विल बी 4 × 10. तो वी मैक्स विल बी 2√10. रूट 10 का वैल्यू 3.162. 2 × 2 = 4. 2 × 6 = 12. 2 × 1 = 2 1 = 2 = 3. 2 × 3 = 6. 6.324 मीटर पर सेकेंड. गॉट द आंसर बच्चा लोग? श्योर बच्चों? ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन, यस सुजीत क्या सुना रहा बेटा? बोथ आर इंपॉर्टेंट अनस. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. बच्चों जरा क्लियर है थम्स अप भेज दो जल्दी से तो आगे बढ़े न्यूमेरिकल्स पे. चिल्ड्रन कहां गए बच्चे? बेटा देर इज नो परफेक्ट वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल. यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज योर डेटा वेरी प्रॉपरली. आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से डेटा क्या दिया हुआ है वो एक्सट्रैक्ट करना है प्रॉपरली कि सर मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है. आपको क्या फाइंड करना है आपको वो देखना है और फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है बच्चा. देर इज नथिंग, नो बिग डील इन दैट. बच्चा सिर्फ न्यूमेरिकल से भागते हैं. अरे न्यूमेरिकल, अरे न्यूमेरिकल. कुछ नहीं है न्यूमेरिकल. आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो
उसमें जो डेटा दिया है वो निकालो, ठीक है। और फॉर्मूला स्पिट पैड होने चाहिए बेटा। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है मालूम है, जो बच्चे सीईटी नीट जेडब्ल्यूई यहां पर फेस करते हैं, बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं होता है, फॉर्मूला ही याद नहीं है आपको, तो कैसे फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल इजी लगेंगे बेटा। अनलेस एंड अंटिल आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन याद नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा बताओ। केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन, सीईटी के बच्चों टेंशन मत लो, कल रात को 9 बजे सीईटी का लेक्चर है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव थियोरी रिवाइज करके आना अच्छे से, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, 30 सवाल सीईटी में बवाल, ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। और इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन केटीजी के एमसीक्यूज लेंगे हम लोग, ठीक है। बेटा एनालाइज कैसे करना, मतलब आप क्वेश्चन रीड के क्वेश्चन को समझो, समझो क्वेश्चन को कि क्या दिया है आपको। जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट पासेस क्रॉसेस द सेंटर ऑफ लाइन। अब सेंटर ऑफ लाइन मतलब अगर वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये सेंटर ऑफ लाइन है, सेंटर ऑफ लाइन मतलब मीन पोजिशन, तो आपको ये पकड़ना है कि सेंटर ऑफ लाइन मतलब मीन पोजिशन, और मीन पोजिशन में स्पीड होता है मैक्सिमम, मतलब मुझे कैलकुलेट करना है वी मैक्स, ये होता है एनालाइजेशन, क्लियर। थैंक यू अनस। नहीं सर हम कल 12th नहीं होगा बेटा, कल सीईटी होगा। तो चलो बढ़ते आगे फिर, एक और एक एनर्जी का करें क्या, हाँ ये करते हैं जो कल हम लोगों ने किया था, ये 16। एट व्हाट डिस्टेंस, चलो बताओ बच्चों एट व्हाट डिस्टेंस मतलब फाइंड क्या करना है, आप लोग बोलो एट व्हाट डिस्टेंस मतलब फाइंड क्या करना है, जल्दी से आपके लिए रुका हूं मैं, एट व्हाट डिस्टेंस मतलब फाइंड क्या करना है। वेरी गुड धर्म, शिवानी वेरी गुड, नो लिमिट वेरी गुड, श्रुति वेरी गुड, नंदिनी जाधव, वैष्णवी कड़ू, क्या बात है, सुपर्ब। मतलब अपने को फाइंड करने का है एक्स, द मीन पोजिशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड, क्या दिया है ए 3 times इट पोटेंशियल एनर्जी, कितने डिस्टेंस पे मीन पोजीशन से एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 गुना उसकी पोटेंशियल एनर्जी से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो क्वेश्चन 16 में मेरा बच्चा डेटा में हमें क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एम्पलीट्यूड भी दिया है 8 centimeter, बराबर कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। टू फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस, मेरे बच्चों ने कहा सर एक्स, फॉर्मूला दोनों का के ई का भी और पी ई का भी, पढ़ दो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर। चलो स्टार्टिंग विथ माय सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कैंसिल, क्लियर बच्चों। तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x square, पक्का मेरा बेटा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x square प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर तो जाता प्लस हो गया, क्लियर गाइस।
तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो ए कितना मिलेगा, ए 2x, करेक्ट। तो x क्या मिलेगा, x a अपॉन 2, व्हाट इज a मेरा बच्चा, 8, पक्का ना, 1 जा 4 जा, तो x कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर। आ गया आंसर बच्चों, श्योर, इजी टू गो गाइस, एकदम पक्का, यस yes। बेटा कभी कभी देखो जब हम लोग मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करते हैं तो हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं, जैसे देखो सर ये तो स्पीड बोला था हमने, तो वेलोसिटी कैलकुलेट किया, अगर अगर वेलोसिटी में से आप डायरेक्शन को हटा दो तो बचता क्या है, स्पीड ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, अगर डायरेक्शन हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा ना बेटा। तो यहां पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर वेलोसिटी बोला तो साइन को इंक्लूड करने का, जैसे वेलोसिटी के फॉर्मूले में प्लस और माइनस ओमेगा साइन है ना, अगर स्पीड बोला तो साइन को एक्सक्लूड कर दो, साइन को इंक्लूड मत करो, समझ आई बात। ये भी छोटी छोटी माइनूट माइनूट बातें बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो काम आती है, क्लियर। मीना क्यों नहीं आएंगे बेटा, यस खुशी होगा बेटा, डोंट वरी, थैंक यू कृष्णा सुतार। चलो एक और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लास्ट मजा आएगा, हमने 16 किया ना अभी, चलो अपना ये तो हो गया था ना, 9 और 10 दोनों हो गया था, 11 आज किया, 12 आज किया, 13 करते हैं, 13 चलो। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड, पीरियड क्या दिया है बच्चों, पीरियड बोला मतलब क्या दिया है, जरा कोई बताएगा, पीरियड दिया है मतलब क्या दिया है चिल्ड्रन, पीरियड मतलब क्या दिया है, वेरी गुड, कैपिटल टी, हाँ बेटा छोटा टी नहीं, हाउ मच टाइम, फिर से टाइम, तो यहां पर छोटा टी फाइंड करना है, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड मतलब ए, कितने समय बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 1/3 होगा उसके एम्पलीट्यूड को, क्लियर, एकदम पक्का बच्चा लोग, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, पार्टिकल मतलब कहां पर है, मीन पोजिशन पे, चलो बहुत इंपॉर्टेंट समय गाइस, तो प्लीज जरा अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा है अपना 13 बराबर ना, 13 डेटा में हमें टाइम पीरियड कितना दिया है मेरा बच्चा, टाइम पीरियड कितना दिया है बच्चों, 4 सेकेंड, और बोला है डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 टाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड, क्लियर, टू फाइंड करना है अपने को छोटा टी, पक्का फॉर्मूला बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अगर क्वेश्चन में छोटा टी दिया है या छोटा टी फाइंड करना है तो कोई दो फॉर्मूले लगेंगे ही लगेंगे, याद है, जरा बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा गाइस, हमने बात की थी स्मॉल टी अगर आपको दिया है तो वहां पर, वेरी गुड मुस्तफा, सुपर मुस्तफा, खुशी वेरी गुड, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, चलो स्टार्टिंग विथ माय सॉल्यूशन, व्हाट इज x, 1/3 a, x की जगह पे a साइन ओमेगा टी
1/3 a, a कैंसिल, ठीक है। तो साइन व्हाट इज ओमेगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/3। तो ओमेगा टी क्या मिलेगा मेरे बच्चों को, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1/3। 1/3 मतलब 0.33, डिवाइड करने आता है ना बेटा, 1 को 3 से डिवाइड करो, जरा 0 3 9, तो 1.0.3333 बराबर चलते रहेगा वो, क्लियर बच्चों। अब व्हाट इज ओमेगा, श्योर, चलो तो 2π/T का वैल्यू 4 साइन इनवर्स ऑफ 0.333, क्लियर, 1 × 2 × 2, तो π/2T इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। अब मेरे बच्चों को साइन देखने आता है, इनवर्स, साइन इनवर्स मेरे बच्चों को देखने आता है। मेरे पास लॉग है शायद, देखता हूँ उनको, जस्ट अ मिनट गाइस, लॉग होना तो चाहिए, लॉग 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 मिल जा, लॉग मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, लॉग 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 नहीं है लॉग, अच्छा यहां पर लॉग नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लॉग किसी के पास, लॉग हमने एक बार साइन इनवर्स निकाला था, शायद हमने टैन इनवर्स निकाला था रोटेशनल डायनामिक्स में, याद है बच्चों। इनवर्स हम कैसे देखते हैं, इनवर्स इनवर्स हम देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट, यूजुअली हम लोग, सॉरी यूजुअली हम लोग लेफ्ट टू राइट देखते हैं, साइन 30 बोला तो यहां से यहां देखेंगे, इनवर्स के लिए हम लोग राइट टू लेफ्ट, यहां से यहां देखते हैं, ठीक है। तो आपको पहले 0.33333 कहां मिल रहा है वो ढूंढना पड़ेगा, ओके तो हम लोग एक बार जरा अभी फॉर टाइम बीइंग साइन इनवर्स का वैल्यू ये कर लेते हैं, यस दैट इज 19.46 समथिंग, करेक्ट, 19.45, यस क्लियर गाइस, बच्चा लोग यस तनुजा लॉग नहीं मिला बेटा, चलो कोई बात नहीं, ओके अब अपने को ये टी फाइंड करना है ना, पाई बाई टू टी इज इक्वल टू 19.46, इसको कन्वर्ट कर, ये डिग्री में ना, इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, पाई पाई कैंसिल, 1 × 90 × तो टी कितना मिला बेटा, 19.46/90, करेक्ट, तो टी कितना मिलेगा, 1.946, 0 था ना हटा दिया 9, चल डिवाइड कर, टी इक्वल टू 0.1 नहीं जाता है, 2 × 18 1 कैरी, 1 × 9 5 कैरी, 6 × 54 2 कैरी, 0 2 × तो 0.2162
सेकेंड. क्लियर चिल्ड्रेन? क्लियर बच्चों? श्योर बच्चा लोग? चलो यस. पारिस अंबेकर, अगर आपने वेलोसिटी में से मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो डिस्टेंस हो जाएगा. सेम वे में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट में से, सॉरी, अगर आपने वेलोसिटी में से डायरेक्शन निकाल दिया तो स्पीड हो जाएगा. सेम वे अगर आप डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है ना. डिस्प्लेसमेंट एक तरह का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. करेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है. क्लियर? सो व्हाट इज द कंफ्यूजन इन दैट? बस बेटा अब अपना छोटा पार्ट ही बाकी है चैप्टर एंड होने के लिए. अब अपने हम लोग तो न्यूमेरिकल साथ साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है? अब अपना क्या क्या पार्ट बाकी है मैं आपको बता देता हूं. अब एक डैम्ड ऑसिलेशन बाकी है एंड एंगुलर SHM, इतना ही पार्ट बाकी है अपना. ओके तो चलो, दिस एंड्स आवर सेशन टुडे गाइस. ओके, विल कंटिन्यू विद दिस इंशाल्लाह ऑन इन द कमिंग वीक और इन दिस वीक ऑल्सो विल टेक वन मोर सेशन. ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर द डे, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. बाय गाइज, लव यू ऑल.